हेलो एवरीवन। तो बस अभी सुबह हुई है और आज अप्पी के घर में मेरा सेकंड डे है। और जैसे मैं उठी मैं बाहर आ गई। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर। और मैशा को देखे कैसे अपनी दादी की गोद में बैठी है, तो कुछ देर मैं भी वहाँ ऐसे ही खड़ी रही, मौसम का मज़ा लिया, अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई, नाश्ता अप्पी मेरी लेकर आने वाली थी, लेकिन मैं थोड़ा अपने दर्द में भी परेशान थी। मेरे मुँह में छाले हो गए तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसमें, तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैं उसी में इतना परेशान थी अपने छालों से। और मेन प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ छालों की वजह से। पहले दिन जब था तो मुझे लगा कि नेक्स्ट डे ठीक हो जाएगा अपने आप, छोटा मोटा कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन नेक्स्ट डे तो इतना बढ़ गया कि मुझे पानी भी यहाँ तक लग रहा था। तो खाने की तो बात ही फिर अलग है। तो खाना तो मैं सच में कुछ नहीं खा पा रही थी सही से। इतना हल्का फुल्का नाश्ता बनवाया, सिर्फ ऑमलेट और पाव, वो भी मैं नहीं खा पाई, सिर्फ एक खा पाई, नहीं खा पाई ज़्यादा। और खाते खाते हलक में बहुत तेज़ लगने लगता है, इसलिए फिर मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। तो बस फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर कुछ दिन मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे दवा दी थी ताकि दवा खाते थोड़ा रेस्ट कर लो, शायद ठीक हो जाए। रेस्ट भी किया लेकिन तब भी कुछ आराम ही नहीं मिली मुझे। वही अफसोस भी हो रहा था कि मैं तो आई ऊपर से अपना दर्द ऐसे लेकर आई कि कुछ खा पी भी नहीं पा रहे। मेरी बहन को अफसोस हो रहा था कि ये कुछ खा पी भी नहीं पा रही है। तो बस फिर हम लोग मैशा के साथ खेलने लगे। और ये आतिफ़ा है, ये भी वहीं घर के पास ही रहती है और ये मैशा के साथ बहुत खेलती है और मैशा से बहुत प्यार करती है, तो ये अक्सर मैशा के साथ खेलने आ जाती है। तो बस नहाने के बाद ये देखिए मैशा कैसे मेरे साथ आइसक्रीम के मज़े ले रही है। मैं कुछ खा नहीं पा रही थी इसलिए मेरी बहन ने आइसक्रीम मंगाया कि शायद वो छालों की वजह से ये सही, इसमें थोड़ा बेटर लगे, बट इसमें भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर उस आइसक्रीम के मज़े भी मैशा ने लिए, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था आइसक्रीम खाने में। और आप लोग खुद देख सकती हैं ये कितने शौक से खा रही है आइसक्रीम। दानी क्या करती है, मान तो बस दे लोगी, आहन ना करो, थोड़ा सा कम किया करो, थोड़ा सा कम किया करो, ठीक, फिर से जाओ फिर मारेगा। हाथ में सतानी सतानी, सुबह वो बाहर लौट गई और पानी गिरा दी, आहन ना करो,
जाओ घूमी कर आओ, जाओ भाई के साथ घूमी कर आओ, जाओ देखो भाई लेने आया है, देखो भाई लग उसको रख देंगे बस चली जाएगी। वो देखो भाई लेने आया है। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते मैशा के साथ मेरा दिन कट जाता है। और जो वो डांट वाला पार्ट था वो तो बहुत ही अच्छा था, बल्कि जब आधा हो गया तब मुझे याद आया कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, वरना मैं उसकी फुल वीडियो बनाती तो और भी मज़ा आता आप लोगों को देखने में। आई होप जो देखा है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और वीडियो को सबको शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं कि और भी, ताकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।